नमस्ते हमारे प्यारे शिक्षक मित्रों, आज मैं एक और नए प्रोजेक्ट सारांश के साथ आया हूँ। आज हम हमारा फूड स्टॉल प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। यह प्रोजेक्ट गणित की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 10 अनुपात और समानुपात से संबंधित है। इस प्रोजेक्ट में विद्यार्थी सीखेंगे कि हम कम लागत में एक फूड स्टॉल लगाकर ज्यादा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। विद्यार्थी 5 दिनों तक प्रतिदिन कक्षा में 40 मिनट और घर पर 10 से 20 मिनट बिताकर गतिविधि पूरी करेंगे। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से विद्यार्थी भिन्नों को पूर्ण संख्याओं से गुणा करना, लागत मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ की गणना करना सीखेंगे। वे एक चर के साथ रैखिक समीकरण बनाएंगे और दिए गए अंकों का औसत ज्ञात करेंगे। उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर व्यंजन बनाने और खाद्य स्टॉलों को डिजाइन करने के माध्यम से उनकी रचनात्मक सोच का विकास होगा। इसके अलावा विद्यार्थी अपने वास्तविक जीवन में विभिन्न स्थितियों में अनुपातों का उपयोग करके मात्राओं की तुलना करेंगे। आइए जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए आपको क्या तैयारी करनी होगी। सभी शिक्षक या शिक्षिकाएं कक्षा शुरू होने के पहले प्रत्येक दिन की सामग्री और प्लान देख लें। जिस दिन की सामग्री स्कूल में उपलब्ध ना हो उसे विद्यार्थियों को एक दिन पहले बता दें ताकि अगर संभव हो तो वे घर से प्रबंध करके ला सकें। सभी स्तर के बच्चों को मिलाकर मिश्रित एवं समावेशी समूहों में बांटें। इस प्रोजेक्ट की गतिविधियों के लिए कागज, रूलर, पेंसिल, खाद्य या पेय पदार्थ जैसे अंकुरित मूंग, खीरा या ककड़ी, टमाटर, प्याज, नींबू, नमक, हरी मिर्च, कटोरी एवं चम्मच जैसी सामग्री की आवश्यकता होगी। सामग्री का चयन आप पाठ योजना में दी गई गतिविधियों के आधार पर कर सकते हैं। पहले दिन शिक्षक सभी विद्यार्थियों को मिश्रित एवं समावेशी समूहों में बांटेंगे और उनको बताएंगे कि वे प्रोजेक्ट के अंत तक इसी समूह में काम करेंगे। विद्यार्थी फूड स्टॉल व्यवसाय योजना पर काम करेंगे जिसमें स्टॉल का मुख्य खाद्य पदार्थ, उनके ग्राहक, स्टॉल लगाने का समय और स्टॉल के नाम को तय करना शामिल है। अपने अपने समूहों में वे संभावित खाद्य पदार्थ बनाने में लगने वाली सामग्री की सूची बनाएंगे। गृह कार्य के रूप में बच्चे यह पता करने की कोशिश करेंगे कि कम समय में एक पौष्टिक व्यंजन क्या बनाया जा सकता है जिसमें कम खर्च और ज्यादा मुनाफा होगा। दूसरे दिन विद्यार्थी अपने फूड स्टॉल के नाम और चुने गए व्यंजन की रेसिपी लिखेंगे और आवश्यक निवेश की गणना करेंगे। उनकी लागत में व्यंजन की सामग्री और उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली अन्य सामग्रियों जैसे प्लेट और चम्मच की लागत शामिल होगी। वे कुल लागत और बेची जाने वाली प्रति रेसिपी की लागत की गणना करेंगे। जहां भी छात्र इस प्रक्रिया में अटकते हैं शिक्षक उदाहरणों के माध्यम से समझा सकते हैं। गृह कार्य में विद्यार्थी कुछ नकली नोट बनाकर लाएंगे जिसका उपयोग वे इस प्रोजेक्ट में करेंगे। तीसरे दिन की शुरुआत में विद्यार्थी फूड स्टॉल के लिए अब तक किए गए काम का पुनरावलोकन करेंगे। शिक्षक विद्यार्थियों को इस प्रोजेक्ट के मुख्य सवाल, हम कम लागत में एक फूड स्टॉल लगाकर ज्यादा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, याद दिलाते हुए आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थी अपने अपने समूह में फूड स्टॉल की कुल निवेश और प्रत्येक सदस्य को कितना पैसा निवेश करना होगा उसके अनुपात की गणना करेंगे। शिक्षक उन्हें धनराशि के गणना में अनुपात का प्रयोग करना समझाएंगे। विद्यार्थी अपने समूह में निवेश के अनुपात की गणना के साथ साथ दूसरे समूह के सदस्यों के निवेश से तुलना करेंगे। चौथे दिन शिक्षक विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट के मुख्य प्रश्न की याद दिलाएंगे और विद्यार्थी अपनी पिछली कक्षा का पुनरावलोकन करेंगे। प्रत्येक समूह अपने खाद्य पदार्थ की कीमत तय करेंगे और अनुमानित आय की गणना करेंगे। फिर वे निवेश के अनुपात के आधार पर कमाई के अपने हिस्से की गणना कर विभाजित करेंगे। शिक्षक उदाहरण देकर विद्यार्थियों को समझाएंगे कि पैसे का समान अनुपात में वितरण कैसे करेंगे। अंत में वे फूड स्टॉल की तैयारी के लिए आवश्यक कार्यों को आपस में विभाजित करेंगे। पांचवें दिन विद्यार्थी अपने समूहों में फूड स्टॉल सजाएंगे और व्यंजन तैयार करेंगे।
वे ग्राहकों से ऑर्डर लेंगे, व्यंजन वितरित करेंगे और पैसे का हिसाब रखेंगे। वे बिक्री को जोड़कर मुनाफे की गणना करेंगे और निवेश अनुपात के आधार पर कमाई का हिस्सा विभाजित करेंगे। अंत में वे फूड स्टॉल की कमाई, अनुमानित और वास्तविक मुनाफे, ग्राहकों की प्रतिक्रिया, प्रोजेक्ट के दौरान आनंद और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। वे विचार करेंगे कि भविष्य में वे किस प्रकार का फूड स्टॉल लगाना चाहेंगे। यह प्रोजेक्ट विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा क्योंकि वे अनुपात और समानुपात की अवधारणाओं को समझेंगे और इसे वास्तविक जीवन में लागू करने का अभ्यास करेंगे। इसके अलावा उनकी व्यावसायिक दक्षता और वित्तीय समझ में वृद्धि होगी, जो उनके भविष्य में स्वावलंबी बनने और उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करेगी। प्रोजेक्ट की समाप्ति के बाद शिक्षक हैंडबुक में उपलब्ध QR कोड को स्कैन करके बच्चों के सीखने के संबंध में कुछ सूचनाएं Google फॉर्म में भरेंगे।